पानीपत के बबेल रोड शिवनगर में गत दिवस मिले तीन कंकालों को पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम व डीएनए के लिए भिजवा दिया गया है। आपको बता दें कि पानीपत पुलिस के द्वारा बोर्ड बनाकर सभी कंकालों का पोस्टमार्टम करने की सिफारिश की गई है। वहीं किला थाना एसएचओ महिपाल ने बताया कि सभी कंकालों का पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा कराया जाएगा, लेकिन पानीपत में फॉरेंसिक एक्सपर्ट केवल एक होने के कारण इसे रोहतक पोस्टमार्टम के लिए रेफर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कपड़े देखकर यह आशंका है कि कंकाल एक महिला व दो बच्चों के हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरा सच बाहर आएगा। वहीं जब एहसान नामक व्यक्ति के बारे में पूछा गया जिसके नाम से ये मकान है, तो उन्होंने कुछ बताने से मना कर दिया, लेकिन सूत्रों की माने तो एहसान नामक व्यक्ति को मेरठ से लाया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। वहीं जिसने भी इन कंकालों को दबाया है उसने फर्श को कटर से काट कर दबाया है, वह कारीगर बताया जा रहा है। एहसान भी एक लकड़ी का कारीगर है। पूर्व में मकान मालिक रहे एहसान पर शक की सुई घूम रही है। अब तो जांच व डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद ही सच सामने आएगा। क्या अपडेट है सर? उसमें आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फॉरेंसिक टीम के डॉक्टर पानीपत में एक्सपर्ट एक अवेलेबल है। जो पुलिस चाह रही है कि पूरा जो बोर्ड है वो फॉरेंसिक टीम के डॉक्टर का हो, इसलिए बॉडी तीनों कंकाल को रोहतक रेफर किया जा रहा है और रोहतक पीजीआई से इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सर, पहले देखने में आशंका क्या नजर आई थी, किन के ये कंकाल हो सकते हैं, बच्चे हैं, महिला हैं, कौन? बस कुछ कपड़ों से लगता है महिला और बच्चे नज़र आ रहे हैं, बाकी डुक्सा भी इस बात को क्लियर कर पाएंगे कि ये किस चीज़ के कंकाल है। सर, बताया जाता है किसी एहसान नामक व्यक्ति का मकान था पहले, तो उससे पूछताछ की जाएगी। अभी वो आगे की बातें हैं, अभी उसमें मैं कोई चर्चा नहीं कर सकता। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।